किसका होगा एविक्शन और कौन आ जाएगा बाहर। दरअसल आज वीकेंड का वार का शूट है और वोटिंग ट्रेंड की मैं बात करूं तो उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि मानो इस बार जो है एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट का पत्ता कट सकता है। स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब है कि जो सदस्य इस घर में काफी समय से मौजूद है। लेकिन यहाँ कल हमने एक ट्विस्ट देखा जहां पर दिग्विजय को एक स्पेशल पावर मिल रही है कशिश को टाइमलाइन चेंज करके नॉमिनेशन से बचाने की। लेकिन क्या यहाँ पर दिग्विजय कशिश को बचाएगा और सिर्फ क्या दिग्विजय को यही पावर दी गई है? मुझे लगता है कि उसके सामने दो ऑप्शन होगी, या तो नॉमिनेशन से बचा ले या सीधे सीधे घर से बेघर कर दे। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली बार जब शो में दिग्विजय कशिश थे तो वहां पर जिस तरीके से अब कशिश ने पैसा लेकर फिनाले छोड़ दिया था और दिग्विजय का सपना टूट गया था, उसके बाद अब ऐसा लगता है कि मानो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी दिग्विजय को उसी बात का रिवेंज लेने की। खैर वो तो देखना काफी दिलचस्प होगा ही। लेकिन अब अगर मैं बात करूं वोटिंग ट्रेंड की, तो वोटिंग ट्रेंड में विवियन नंबर वन पर है, दूसरे नंबर पर राठी है, तीसरे नंबर पर करणवीर है और चौथे नंबर पर यहाँ पर अविनाश है, पांचवें नंबर पर चाहत है और छठे और सातवें नंबर की मैं बात करूं तो यहाँ पर छठे नंबर पर कशिश है और सातवें पर एलिस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार डबल एविक्शन होगा। दिग्विजय को जो पावर मिली है उस पावर का इस्तेमाल करते हुए वो कशिश को एलिमिनेट करेंगे और ऑडियंस वोट के आधार पर यहाँ एलिस का पत्ता कट सकता है। तो एक नहीं बल्कि दो एविक्शन हमें घर में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको लगता है कि वाकई में दिग्विजय को ये पावर दी जाएगी कि वो कशिश को एलिमिनेट कर सके या नहीं, और अगर ऑडियंस वोट के आधार पर किसी एक का एलिमिनेशन हो तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सा सदस्य है जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन वाकई में घर में सबसे कम है।